राजधानी रायपुर में आयोजित भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक अधिवेशन का आज अंतिम दिन है। 8 नवंबर से रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इसका आयोजन हो रहा है, जहां सड़क निर्माण और सड़क सुरक्षा से जुड़े देश भर के 2000 से अधिक विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, अभियंता और अधिकारी शामिल होकर सड़क निर्माण, अनुसंधान और गुणवत्ता संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा कर निष्कर्ष निकाल रहे हैं। अधिवेशन स्थल पर सड़क निर्माण से जुड़ी अलग अलग कंपनियों और नई तकनीकों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। अधिवेशन सत्र में तीनों दिन अलग अलग विषयों पर बातचीत हुई। इसके साथ ही भारत में किए गए सड़क अनुसंधान कार्य और आगे की रूपरेखा को लेकर विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियां भी दी गई। इंडियन रोड कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल एसके निर्मल ने अब तक हुई चर्चाओं और लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अधिवेशन के पहले तीन दिनों में कुल 15 डॉक्यूमेंट पूरे हुए और 3 डॉक्यूमेंट रेफर किए गए हैं। तो इस बार जो डॉक्यूमेंट थे उसमें सभी में, जैसे रोड में हाई परफॉर्मेंस बिटुमिनस मिक्सेस पे डिस्कशन हुआ है, एक स्मार्ट पार्किंग मैनेजमेंट सिस्टम जो कि आजकल सब जगह चल रहा है सिटीज़ में, कम से कम रोड सेफ्टी को लेके जो हमारी इतनी डेथ हो रही है, जो इंडिया की में सबसे ज़्यादा फैटलिटीज़ हो रही हैं, 1,70,000 इस साल डेथ हुई है, तो उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड मोटरसाइकिल लेन बनाने के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है। वो पहली बार ये हमारा अटेम्प्ट था कि अर्बन एरिया में अभी कोई डेडिकेटेड लेन नहीं होती है, तो एक सेपरेट लेन मोटरसाइकिल के लिए बनाई जाए ताकि वो अलग रहें और बाकी ट्रैफिक अलग रहे, तो उससे रोड एक्सीडेंट में काफ़ी कुछ हम सोच रहे हैं कि कमी आएगी इससे, तो इस तरह। और ब्रिजेज में हमारे कई नए डॉक्यूमेंट बने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है मेगा सी लिंक, जो अभी बॉम्बे में जो सी लिंक बनी है और जो बांद्रा वर्ली बांद्रा सी लिंक थी, ये दो सी लिंक हैं, इसी के एक्सपीरियंस को लेके हमने ये एक नया डॉक्यूमेंट बनाया है। अधिवेशन में पहुंचे सड़क निर्माण और सुरक्षा से जुड़े लोग समारोह के दौरान लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन कर रहे हैं और नई नई तकनीकों से रूबरू हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में देश विदेश की बड़ी कंपनियों की तकनीक और काम करने का तरीका दिखाया गया है। बिकॉज हमारी कंपनी जो है रिफ्लेक्टिव शीटिंग बनाती है, जो रोड के ऊपर आप साइनेजेस देखते हैं, जितना भी सारा रोड के ऊपर फर्नीचर देखते हैं, वो सारा का सारा हम बनाते हैं और उसी से लोगों को मार्गदर्शन होता है, उसी से लोगों को डायरेक्शंस और साथ में रात के समय में विजिबिलिटी दिखती है। तो रोड के ऊपर अगर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमने डिजिटल प्रिंटर और कई सारे अपने रोड सेफ्टी के प्रोडक्ट्स डिस्प्ले भी करे हैं। हमारे चैनल पार्टनर्स भी इसमें हमारे साथ जुड़े हैं, हम जिनको यहाँ पर अपने साथ लेकर के आए हैं। इंडियन रोड कांग्रेस में मेनली ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहाड़ों की कटाई और जंगलों की कटाई पर रोक लगा दी है, तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करने के लिए अगर सड़कों को बनाना है तो आपको एग्रीगेट गिट्टी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी के तहत आपको गिट्टी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जो भी एग्जिस्टिंग क्रस्ट आपको अवेलेबल है, मार्जिनल एग्रीगेट अवेलेबल है, हम लोग उसी से रोड बना देते हैं। सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर इसमें कॉस्ट वाइज देखा जाए तो 30% कॉस्ट की ही सेविंग होती है। इसमें पॉल्यूशन कुछ नहीं होता, हम लोग पहाड़ों को नहीं काटते, हम लोग जंगलों को नहीं काटते। और ये एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, हम IRC में हर साल पार्टिसिपेट करते हैं, इस साल भी हम यहाँ पे आए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। पिछले 3 दिन से हम यहाँ पर हैं और कल भी यहाँ पे होंगे। ये एक ऐसा फ्रेटर्निटी है जो सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के वरिष्ठ लोग यहाँ पे अटेंड होते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के कंपनीज़ हों, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हों, PWDs के, डिफरेंट स्टेट्स के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हों या अधिकारी हों, वो सब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम प्रदर्शित करते हैं हमारे इक्विपमेंट के, टेक्नोलॉजीज़ के। ऐसे ही हमने एकमात्र ऐसा प्रोप्राइटरी हमारा इक्विपमेंट है जो कि IPAV कहलाया जाता है, इंटेलिजेंट पेमेंट असेसमेंट व्हीकल है, जो कि एक रोड डॉक्टर के जैसा है। इस अधिवेशन का शुभारंभ 8 नवंबर को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया था।